Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Now take out your pulse book. This is your pulse book and today's subject is Max. Okay, now students, open your book and take out the page number 160. Take out the page number 16060. In last class we had completed exercise 6.7 of question A. Okay, and now today we will do the question number B. Divide and check your answer. Okay, क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड करना है और हमारे आंसर्स चेक करने हैं कि राइट है कि रॉन्ग है. ओके, सो चेक योर आंसर कैसे करते हैं, आपको तो पता ही है कि डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है आंसर. ओके, सो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे. ओके, सी 6, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 1 3 3 2 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स 6 आ रहा है, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 0. ओके, नाउ ये 9 को हम नीचे उतारेंगे. ठीक है, अब 3 की टेबल में 9 आता है, यस, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, वेरी गुड, 3 3s are 9. सो इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0. अब स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करना है, चेक करना है. अब चेक कैसे करेंगे, ऐसे एक एरो लगाना, देन उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 23 जो रिमाइंडर है इसको इससे प्लस कर देंगे, 3 3 are 9 2 3 are 6, सी हमारा आंसर आ रहा है 69. सो 69 जो है ये हमारा डिविडेंड है, यानी कि ये अंदर का आ गया, तो यानी कि जो आपने डिविजन किया है वो क्या है आपका, करेक्ट है. समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. इसमें भी यही करना है स्टूडेंट्स, हमें पहले डिवाइड करना है देन उसके बाद हमें अपना आंसर चेक करना है, बट इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन क्या दिया है, 660 डिवाइड बाई 6. ओके, 660 को हमें 6 से डिवाइड करना है, सो 6 1s are 6, 6 के टेबल में 6 आता है कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, ऐसे. अब 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और अब इस 0 को भी नीचे उतार देंगे, जब एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये 0 इधर भी लगेगा. समझ आया स्टूडेंट्स, जब एक 0 लास्ट में बच जाता है तो वो 0 इधर भी लगेगा, अगर दोनों साइड 0 है तब लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि एक साइड 6 है और दूसरी साइड 0 है तो ऐसा लगेगा, बट अगर दोनों ही नीचे रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो आपको इधर भी 0 लगाना पड़ेगा. समझ आया स्टूडेंट्स. ओके, सो अब इसको चेक कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर इज योर 6, क्वोशेंट इज योर 110 एंड रिमाइंडर इज योर 0. ओके, 6 into 110 कितना होगा, 660 प्लस 0, सो योर आंसर इज 660 एंड 660 इज योर डिविडेंड. ओके, अंडरस्टूड, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये नहीं ड्रॉ करना है और ये भी नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको ऐसे सम सॉल्व करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड और नॉट, ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर सी आपको CW में करना है, बाकी तो ये आप टेक्स्ट बुक में भी करोगे तो भी चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.